وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आप मिंबर रसूल पर देख रहे हैं कि काले रसूल गुलशन फातिमा क्या महत्ता हुआ कही हजरत सैयद अहमद रजा साहब अल्लाह हमारी और आपकी मकबूलियत और इस महफिल खैर की मकबूलियत का वसीला बनकर तशरीफ लाए और थोड़ी देर हजरत के चेहरे की जियारत करें और इस आए करीमा की रोशनी में चंद बातें आप उससे भी समाप्त फरमाएं। आए हम और आप कसम एहतराम बारगाह रिसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سلام وسلاما عليك يا رسول الله. میں نے مانا اس بات کی کہ پلکوں پر مکمل طور سے نیند کے آثار ظاہر ہیں اور اس جلسے کا اور وقت آگے تک لے جانا یہ زبردستی کہلائے گا، مگر مجھے امید اور ابھی غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ سماعت کریں گے، اس لیے کہ جب تک کہ آپ اس محفل خیر میں بیٹھیں گے آپ کو دوبارا فیض نصیب ہوگا، محفل خیر میں بیٹھنے کا بھی اور ایک آل رسول کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے چہرے کی زیارت کرنے کا بھی. اللہ تعالیٰ قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی طرف سے اس کی رضا کا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. بھائی صاحب بالکل توجہ، دنیا میں جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا مل گئی وہ دنیا اور آخرت کا تاجدار ہو گئے. آپ کو جاننا یہ ضروری ہے
कि बंदे को किस मकाम पर जाकर के रजा का दर्जा हासिल होता है और अजमतों की कौन सी बुलंदी को बंदा हासिल करता है तो उसको खुशबू दी इलाही और रजाए मुस्तफ़ा हासिल होता है। आप गौर फरमाएं इस कलमे में, इस आयत में एक कलमा है अकबर, वरिदवानु मिनल्लाह अकबर। मौसिक अजानों में जब कलमे जलालत को पुकारता है तो कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और यही वो लफ्ज अपनी रजा के लिए ला रहा है। तो जिस तरह अल्लाह सबसे बड़ा है, इसी तरह नेमतों की कायनात में उसकी रजा का मिल जाना ये सबसे बड़ी नेमत है। अब आप गौर फरमाएं कि किस मकाम पर जाकर के बंदे को अल्लाह की रजा मिलती है। तो आप जहां बैठे हैं, हम हैं, ये भी एक दुनिया है। भाई साहब मेरी तरफ तवज्जो दीजिए ना थोड़ी। और अल्लाह ताला ने दुनियाए नफ्स के सात तबके पैदा फरमाए। और अल्लाह के बंदे उसमें अपने हाल के मुताबिक तरक्की फरमाते हैं, फिर उनके दर्जात बतजरीज उनकी मेहनत के मुताबिक बुलंद होते हैं। जहां हम हैं, आप हैं, ये भी एक नफ्स की दुनिया है और यहां से इब्तिदा होती है। चचा चचा जान, मुझसे बेहतर गुफ्तगू इस वक्त आपकी नहीं हो सकती। कुफार मुशरिकीन मुनाफिकीन और मुसलमानों में भी आम गुनाहगार लोग हमारे जैसे ये नफ्से अम्मारा में होते हैं। और नफ्से अम्मारा का काम है इन नफ्स अल अम्मारतु बिस्सू। नफ्से अम्मारा इंसान को बड़ी सख्ती से गुनाह का हुक्म देता है, बड़ी शिद्दत से गुनाह की तरफ धकेल धकेल करके ले जाता है। फिर बंदा इबादत करता है, रियाजत करता है, जहद इख्तियार करता है, तकवा करता है, इख्तियार करता है, अमल सालेह करता है कि वो इस नफ्स की घाटी से बाहर आए। और वाकई हमको आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस दलदल से बाहर निकले। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, बुजुर्गों का उर्स भी करते हैं, हम जलसे करते हैं, अमले खैर करते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, अपने बड़ों की ताजीम भी बजा लाते हैं, सब कुछ करता है बंदा, मगर बंदा मर के कब्र में चला जाता, अपनी रूहानियत में जर्रा बराबर भी तरक्की नहीं कर पाता। अपने जाहिर को मत सजाओ, अगर सजाना है तो अपने बातिन को सजाओ, इंशाल्लाह जाहिर खुद ब खुद सज जाएगा। हुजूर की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं हुस्नुल खुल्क मिन खिसाली अहली जन्नत। अपने अखलाक को बेहतर करो, क्योंकि अखलाक का बेहतर होना ये जन्नती होने की अलामत है। एक दरवेश था, जंगल में बैठा था फकीर, अल्लाह अल्लाह करता था, विर्द वजीफा करता था। एक दिन उस रास्ते से एक सच्चे दरवेश का गुजर हुआ, नजर पड़ी तो सोचा कि ये अल्लाह अल्लाह करता है, तो लाओ जरा अमली जायजा लो कि ये किस नफ्स के किस पोजीशन में। भाई साहब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, थोड़ी देर आप तवज्जो दीजिए ना। ये अपने आप को अल्लाह का बंदा कहता है,
बड़ा आमिल बनता है। तो लाओ देखो ये दुनियाए नफ्स के किस दर्जे में करीब गया। चूंकि आजमाना मकसद था इसलिए कहा बाबा गर्म होगा थोड़ी कोई एक गिलास पानी अता करेंगे। तो ये जो अपने आप को फकीर कहलवाता था इसने कहा मेरे पास पानी नहीं है, अगर होता तो मैं तुम्हें जरूर देता। कहा नहीं बस मेहरबानी करें कुछ चंद घूंट ही अता कर दे। उसने कहा नहीं तुमने सुना नहीं, मैंने एक बार कह दिया कि मेरे पास पानी नहीं है, अगर होता तो मैं तुम्हें जरूर देता। क्योंकि आजमाना मकसद था, पोजीशन मालूम करना चाहता था वो दरवेश, इसलिए तीसरी बार में भी सवाल रखा और कहा नहीं नाराज ना हो गुस्सा ना करे, प्यास लगी है शिद्दत की एक घूंट पानी पिला दे। अब वो गुस्से में खड़ा हो गए लठले करके और कहने लगा हिम्मत है तो अब पानी बांध के दिखा। चूंकि आजमाना चाहता था इसलिए चौथी बार वही सवाल रखा तो वो दौड़ा लिया। सच्चा दरवेश आगे आगे फकीर पीछे पीछे, कुछ दूर जाने के बाद वो दरवेश ठहर गया और पलट करके जो जुमला कहा अगर वाकई मोमिन है तो दिल की तख्ती पर इस लफ्ज को नोट कीजिएगा। उसने कहा बाबा सारी जिंदगी गुजर गई फकीरी का नाम लेते लेते, अपने आप को अल्लाह वाला दरवेश कहते कहते तीन बार चार बार सिर्फ पानी क्या मांग लिया, बर्दाश्त न कर सके, अंदर आपके गुस्से की इतनी आग चल उठी। अरे अंदर तो अंगारा सु लग रहा है तो बताओ फकीरी शुरू किस वक्त होगी, अंदर तो गुस्से का भांभड़ मचा हुआ, फकर तो उस वक्त शुरू होगा जब ये चंगारी बुझ जाएगी। हुस्नुल खुल्क मिन खसाली अहली जन्ना, अपने अखलाक को बेहतर करो क्योंकि अखलाक का बेहतर होना ये जन्नती होने की अलामत है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर अहले होश बैठे हैं तो जवाब दो। हुजूर के जिंदगी के 63 साल 23 साल एक तरफ रखे और 63 साल एक तरफ, 40 साल एक तरफ, ऐलान नबूवत से पहले की जो जिंदगी है वो 40 साल और ऐलान नबूवत के बाद की जो जिंदगी है वो 23 साल। 23 साल की जिंदगी में नमाज भी दी, तवज्जो, रोजा भी दिया, मनासी के हज भी सिखलाया, अहकाम ज़कात भी बताया, मगर ऐलान नबूवत से पहले जो 40 साल की जिंदगी हुजूर की गुजरी है, अल्लामा सैयद साहब क़िबला के कदमों का बोसा लेकर के जुमले की इजाजत चाहता हूं कि कोई साबित करे कि मेरे नबी ने या अय्युहन नास कहकर के किसी को हज की दावत दी हो, किसी को फरमाया हो कि तुम नमाज पढ़ो। क्योंकि जो 40 साल की जिंदगी गुजरी है उसमें कलमे के ऐलान का हुक्म नहीं आया था, और ये तो हुआ उस वक्त जब नबी ने कलमा दिया, लोगों ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, तो नबी ने नमाज भी दी, नबी ने रोजा भी दिया, मनासिक हज भी सिखलाए, अहकाम ज़कात भी, मगर जो 23 साल की जिंदगी गुजरी है हुजूर की, उस 23 साल के छोटे से अरसे में बड़े बड़े अहकाम सिखलाए, नमाज जैसे, रोजे जैसे, हज जैसे, मगर कोई साबित करे कि 23 साल की मुद्दत में 40 साल का अर्दा ज्यादा बड़ा होता है, तो 40 साल में न नमाज दी न रोजा दिया, तो ऐलान नबूवत से पहले हुजूर ने दुनिया को क्या दिया। हालांकि जिंदगी मुस्तफा की यक यक लख एक एक लम्हा सेकेंड सेकेंड पल पल घड़ी घड़ी बड़ी कीमती थी दुनिया वालों के लिए, तो तुमने देखा 23 साल जिंदगी को उसने नमाज भी दिए रोजा भी दिए, मगर 40 साल तक मुस्तफा ने क्या सिखाया। तो सुनो मेरे मुस्तफा
नबूवत से पहले 40 साल के गुजरने वाली जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ अखलाक का दर्स दिया। हुजूर यही सिखलाते रहे कि बेहतरीन इंसान कैसे बना जाता है, ठीक ठाक आदमी कैसे बना जाता है, बढ़िया मनुष्य कैसे बना जाता है, तिजारत कैसे किया जाता है, धंधा कैसे करते हैं, व्यापार कैसे कहते हैं, शादी ब्याह कैसे करते हैं। जुमला दे रहा हूं, अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। नमाजी बनाने में सिर्फ 23 साल लगे और इंसान बनाने में मुस्तफा को 40 साल लग गए। और हुजूर ने यह दर्स दे दिया, हुजूर ने पहले नमाजी नहीं बनाया, पहले बेहतरीन इंसान बना करके ये सबक दे दिया, ए इंसान तू बेहतरीन इंसान बन जा, इंशाअल्लाह नमाजी खुद ब खुद बन जाए। इसका जवाब यह है कि जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि पंज वक्ता नमाजी बेहतरीन इंसान हो। पता नहीं वो नमाज भी पढ़ता हो, चोरी भी करता हो, नमाज भी पढ़ता हो और सब्र ना कर पाए। जरूरी नहीं कि पंज वक्ता नमाजी बेहतरीन इंसान हो, मगर ये तय है कि बेहतरीन इंसान इंशाअल्लाह पंज वक्ता नमाजी होगा। तो हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना होगा। अखलाक के हसना कब आएगी, जब नफ्से अम्मारा के दलदल से हम बाहर निकलेंगे। और जब इंसान इबादत करता है, रियाजत करता है, तो नफ्से अम्मारा के दलदल से निकल कर के ऊपर जाता है, तो अल्लाह ताला उसको दूसरा मकाम अता करता है। तवज्जो, और दूसरे मकाम का जिक्र कुरान में मौजूद है, ला उक्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा, ए नफ्से लवामा वाली, ये दूसरे नफ्स का नाम है। यहाँ पे जब पहुंचता है बंदा तो गुनाहों से नफरत और नेकियों से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है। और फिर यहाँ पे पहुंच के मेहनत नहीं छोड़ सकता, बस जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुंच के उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिर इबादत, रियाजत, मशक्कत, सोहद इख्तियार करता है, तवज्जो। तो फिर बंदे को अल्लाह ताला नफ्से लवामा यानी दूसरे नफ्स से निकाल के तीसरा दर्जा अता फरमाता है, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वा। यहाँ पे जब पहुंचता है तो फिर नेकियों से मोहब्बत और बुराइयों से नफरत का जज्बा तो पैदा ही हो जाता है। और जब तीसरे नफ्स पर पहुंचता है, नफ्से मुल्हिमा पर, तो सच्ची बात तो ये है कि इस दर्जे पे पहुंच के बंदे का जमीर बेदार हो जाता है, जमीर जाग जाता है। इसीलिए तो हम अक्सर कहा करते हैं कि जिसका जमीर मुर्दा हो, चले कार में फिर भी वो मुर्दा है, और जिसका जमीर जिंदा हो, सोया हो मजार में, फिर भी वो जिंदा है। कब्रिस्तान में खिताब नहीं कर रहा हूं, आप बोलेंगे तो मैं जरूर इंशाल्लाह सुनूंगा। आप एहसास दिलाइए कि मैं सुन रहा हूं। ये तीसरा मकाम है, और यहाँ पे पहुंच के उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में जब वो इबादतों का शौक पैदा करता है, तो फिर अल्लाह ताला बंदे को नफ्से मुल्हिमा यानी तीसरे दर्जे से निकाल के चौथा दर्जा अता फरमाता है, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना वाले। जब चौथे दर्जे पर पहुंचता है बंदा, तो जानते हो उसका मकाम क्या होता है? सैयद साहब क़िबला से पूछे, ये चौथा मकाम है क्या? तो आप बताएंगे कि जब बंदा नफ्से मुल्हिमा से निकल के मुतमइन्ना के मकाम पे पहुंचता है, तो वो बंदा अल्लाह का वली हो जाया करता है। यहां से विलायत की इब्तिदा होती है, और जब वली हो गया, मेहनत नहीं छोड़ सकता, फिर अपने हाल के मुताबिक उसमें तरक्की करता है। अल्लाह का करम होता है, अल्लाह ताला विलायत के दर्जे से भी निकाल के पांच
पांचवा दर्जा अता फरमाता है और पांचवे दर्जे का जिक्र इसी आयत में आगे आता है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिकि राबियतन मर्दिया। ये चौथा पांचवा दर्जा मकामे राबिया का, फिर उस पे बंदे को जो सिला मिलता है पांचवे दर्जे का वो मकामे मर्दिया का होता है। आप कहेंगे ये मकामे राबिया और मर्दिया क्या है, तो सुनो मकामे राबिया में जब बंदा पहुंचता है विलायत से निकल के तो दिल की ये तमन्ना होती है ए अल्लाह तू मुझसे राजी हो जाए, और जब मकामे मर्दिया में पहुंचता है तो बंदे की रहमत हर वक्त रब की रहमत बंदे के रजा और तलब को देखा करती है। राबिया में बंदा तालिब होता है, मर्दिया में मतलूब हो जाता है, राबिया में बंदा मुहिब होता है, मर्दिया में महबूब हो जाता है, अरे राबिया में बंदा मुरीद होता है, मर्दिया में मुराद हो जाता है, राबिया में बंदा आशिक होता है, मर्दिया में माशूक हो जाता है, राबिया में बंदे की नजर हर वक्त अल्लाह के हुक्म का दरवाजा देखती है। और जब मर्दिया में वही बंदा पहुंचता है तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है, ए मेरे बंदे तू रब को हिला दे, मैं फौरन पूरा कर दूंगा। जो जुबान से निकले वो फौरन पूरा हो जाए। फकदियल अमर आयत का कलमा है, जो अल्लाह का हुक्म हो वो पूरा करे, ये मकामे राबिया है। और बंदे की मर्जी पर रब की रहमत शामिल हो जाए, ये मकामे मर्दिया है। आपने देखा नहीं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स आया। पहले तो ये जान ले आपका ये मोजिजा था कि कोई भी अपनी ख्वाब बताता आप उसकी सच्ची ताबीर बताते थे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और उसने कहा हजरत मैंने ख्वाब देखा है आप उसकी ताबीर बता दे। सच्ची बात तो ये थी कि उसने कोई ख्वाब नहीं देखा था। अब आप देखो ना, जब उसने कोई बुनियाद खोदी ही नहीं है तो गलत दीवार तो खड़ी करेगा। ख्वाब देखा है उसकी ताबीर बता दे, हालांकि उसने कोई ख्वाब नहीं देखा था। आपने फरमाया कि अपना ख्वाब बयान कर। उसने यूं टोल के टटोल के मरोड़ के अपने ख्वाब को बयान किया। आपने फरमाया इसके बदले में तो ताबीर में मौत निकल रही है। भाई साहब आप समझे ना, आपने क्या फरमाया इसकी ताबीर में तो मौत निकल रही है, अब तू मरेगा। बाद में वो हंसने लगा, हजरत जब मैंने कुछ देखा ही नहीं तो फिर मरना कैसा। तो जो जुमला दे रहा हूं महल्ले इस्तकलाल में रखने की कोशिश करो। आपने फरमाया अरे तूने देखा हो या ना देखा हो मेरी सुबह से मौत निकल चुकी तो अब तुझे मौत हो गए। ये है मकामे मर्दिया, जो कह दे वो फौरन पूरा हो जाए। हुजूर सैयदना गौसु समदानी कुतबे रब्बानी सैयदना अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे। चंद फासिदाना ख्याल रखने वाले एक जिंदे इंसान को जाली मुर्दा बना दिया और दिल में ख्याल किया कि सैयदना सरकार बगदाद की जामा मस्जिद से गौसे आजम जैसे निकलेंगे आप कहेंगे कि नमाज़े जनाजा पढ़ा दे, और जैसे ही नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए कहेंगे दूसरी तीसरी तकबीर में तू उठ के खड़ा हो जाना, और जैसे तू उठ के खड़ा हो जाएगा हम गौसे आजम की गौसियत का मजाक उड़ाएंगे। तवज्जो चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। वो शख्स कहने लगा ठीक है। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला जामे मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे और जैसे ही नमाज पढ़ा करके बाहर निकले बाप कदमों में गिर गया। अर्ज करने लगा सरकार बाप बच्चे का इंतकाल हो गया, उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि आप नमाज़े जनाजा पढ़ाए, मगर निगहें गौसियत देख रही है, दिन में बेमानी लेके आया है, दिन में फरेब लेके आया है, इसलिए आपने फरमाया किसी और से पढ़वा ले, किसी और से पढ़वा ले। बाप कदमों में गिर गया। अर्ज करने लगा सरकार आप भी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। जब आपने सुना तो फरमाया ठीक है सफे दुरुस्त कर लो, इमामत का मुसल्ला बिछा दो। आप मुसल्ले इमामत पर गए, लोग सफ में अपने बगली को बजा रहे कि अभी उठेगा, एक तकबीर हो गई अभी उठेगा, दो तकबीर हो गई अभी उठेगा, चार तकबीर मुकम्मल हुई, सलाम के बाद बाप कदमों में गिर गया।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस अल्लामा सुभानुल्लाह साहब ने मिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जो कह दे वो फौरन पूरा हो जाए। और इस मकाम पर जब कोई अल्लाह का वली पहुंच जाता है तो उसको खास फैजान मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाता है। मकाम रजा कोई आसान घाट नहीं है, मकाम रजा को हासिल करना ये अच्छे अच्छों के बस की नहीं है। लोग आसान समझते हैं इस मकाम रजा पे कायम रहना, अरे बड़े बड़े औलियाए कराम ने इसके हाथ से दामन छूट गया मकाम रजा, वो सब्र के मकाम पे कायम रहते, वो तवक्कुल के मकाम पे कायम रहते, मगर मकाम रजा पे खड़े रह जाना ये अच्छे अच्छों के बस का नहीं। हुजूर सैयदना ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह ने इसके तीन दर्जे बयान फरमाए, और तीन वो सिफतें जिसमें पाई जाए वो साहिब रजा है। पहला आपने फरमाया तर्कुल इख्तियार क़ब्ल अल-क़ज़ा, अल्लाह की तरफ से जो हम पे मुसीबत आती है, जब मुसीबत आए तो मुसीबत मुसीबत न लगे राहत लगे, ये सोच करके कि ये मुसीबत मेरे रब की तरफ से आई। और दूसरा आपने फरमाया सुरूर कल्ब बिमुबिल क़ज़ा, जो मुसीबत में एहसास है तवज्जो बोझ है उसकी तलखियां, जब मुसीबत आए तो मुसीबत सुरूर में बदल जाए ये सोच करके ये मुसीबत तो मेरे रब ने मुझको अता की तवज्जो। और तीसरे लफ्ज में करबला को सामने रखिएगा और साहिब सब्र व रजा की इस्तकामत को भी मद्देनजर रखिएगा। आप फरमाते हैं फुकदानुल मरारत बादल कसा, जब सब कुछ लूट जाए कट जाए तबाह हो जाए और पीछे पलट करके कि देखे कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तो लूट गया कट गया तबाह हो गया लूटा कटा पीटा, देख करके भी दिल में राहत की कैफियत बरकरार रह जाए। ये तीन सिफतें जिनमें पूरी हो जाए वो साहिब रजा है। इस मकाम पे बड़े बड़े औलिया के कदम डगमगाए हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं हजरत शेख अहमद शर्जीली रहमतुल्लाह अलैह का, इकलौता बेटा था हुजूर आपका, अचानक बीमार हो गया, तवज्जो, बीवी ने उठा करके कदम में रख दिया। बीवी कहने लगी आप तो साहिब रजा आप तो सब्र कर सकते, मेरे लिए तो राहते जा जिंदगी सब कुछ मेरा यही लखते जिगर है, अगर इसको कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, इसलिए आप दुआ फरमा दे, मगर साहिब रजा का वो वली अपनी बीवी को सब्र का की तलकीन देता रहा कि अल्लाह की मर्जी जिसमें मेरा रब राजी उसमें मैं राजी। तो मौत का फरिश्ता आ गया, और जब मौत का फरिश्ता आया बच्चा आखिरी वक्त तड़पने लगा तो बीबी ने क्या किया उठा करके तड़पते शहजादे को वली शौहर के कदम में रख दिया। कुछ भी सही, उनके सीने में भी एक दिल था, उनके अंदर भी शिक्षा पिदरी थी, ये औलाद उन्हीं की थी। अभी तक जो मकाम रजा की सब्र नसीहत देते रहे आखिरी वक्त में जब अपने लखते जिगर को तड़पते देखा बर्दाश्त न कर सके। यकायक आपने दुआ के लिए हाथ उठाई फौरन उसी वक्त बच्चे की मौत को जिंदगी में बदल दी गई, मौत का परवाना हटा दिया गया और आपने मलकल मौत को देखा और फरमाया या मलकल मौत इन चीज इला रब्बी फैना हुक्म मौत ही कद मुसिख, ए मलकल मौत चला जा, अल्लाह ने मेरे बच्चे की मौत को जिंदगी में बदल दी है, अगर यकीन ना हो तो जाकर उसी से पूछ ले। अरे करामत बहुत बड़ी जाहिर करती कि मरते को जिंदा कर दिया मगर हुआ क्या, रजा का दामन हाथ से छूट गए। मशीयत ये थी फकुदियल अमर मुसीबत आए तो सब्र कर दे,
मुसीबत आए तो सब्र कर दे, मगर रब ने महबूब की मंशा तो पूरी कर दी मगर रजा का दामन छूट गए। अरे जब हम औलिया को देखते हैं और 10 मुहर्रम को जमीने करबला पे अपने इमाम को भी देखते हैं, क्या बात है, यहां को मकाम रजा पे बड़े बड़े औलिया के कदम तक लगा रहे हैं, जरा 10 मुहर्रम को करबला में अपने इमाम को देख। मेरा इमाम 10 मुहर्रम अल हराम को दुनिया कहती है कि शिद्दत तिश्नगी से तड़प रहा था। हुसैन अपने शहजादों को पानी नहीं दे सकते थे, खानवादे रसूल का एक एक बच्चा करबला में तड़प रहा था। बच्चे तड़प रहे थे, बूढ़े हाँप रहे थे, जवान लड़खड़ा रहे थे, बीबियां आहे भर रही थी, हुसैन पानी के लिए तरसे। मकाम रजा के नुक्ते को सामने रख करके इस मेटर को सुनिए। अरे क्या मजाल उन यजीदी भेड़ियों की जो मेरे इमाम का पानी रोक ले। हुसैन अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम देख कि सैयदना इब्राहिम अलैहि सलाम के शहजादे ने सिर्फ एड़ी रगड़ दी थी तो अल्लाह ने आबे समसम का चश्मा जारी कर दिया। यहां पे समसम का चश्मा निकलने वाला जो है, जिसकी एड़ी की रगड़ है, ये इब्राहिम के बेटे हैं। और अल्लाह के इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, करबला में हुसैन मुस्तफा का बेटा। हुसैन तो क्या अली असगर अली रगड़ देते तो जमीन करबला से पानी के इतने चश्मे निकलते कि खुद जमीन करबला से वो चश्मे संभाले न सकता। अगर हुसैन चाहते तो आसमान से इतनी बारिश होती कि हुक्म हुसैन से पहले वो पानी रुक नहीं सकता था, बारिश रुक नहीं सकती थी। मगर हुसैन को प्यासा कहने वाला जुमले पर गौर कीजिए, नुक्ता दे रहा हूं और पूरी तकरीर का मक्ता दे रहा हूं। हुसैन को प्यासा कहने वालों मशीयत ऐसी थी और ये चाहती थी, हुसैन प्यासा नहीं था बल्कि प्यास की हालत में मेरा हुसैन रजा का इम्तिहान दे रहा था। हुसैन को प्यासा कहने वालों मशीयत यही थी कि शिद्दत तिश्नगी में हुसैन से रजा का इम्तिहान दिलवाया, क्योंकि विलायत जो वलियों की गुदरी है वो सिर्फ रजा की गुदरी है और हुसैन को साहिब रजा का इमाम बन के चमक रहा है। वो सारी मुसीबतें डाली गई, वो सारी आजमाइशें डाली गई जो पूरी जिंदगी में इंसान के ऊपर जो 5 मुसीबतें बड़ी बड़ी आई आती है जिसका जिक्र सूरह बकर शरीफ में मौजूद है, वो सारी आजमाइशें करबला में हुसैन से एक थे, इसलिए कि उनको रजा का इमाम बनाना था। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये तकरीर तुमने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए किया है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने समझा क्या, मैंने हुसैन का अगर दर्द बयान किया, हुसैन के अगर जिंदगी के हालात बयान किए तो तुमने सोचा क्या मुसलमान को इससे सबक हासिल करना चाहिए कि मेरा हुसैन इस कदर अज़्म समीम का पहाड़ था, इस कदर अज़्म का इस्तक़लाल का पहाड़ था कि सारी आजमाइशें सामने आई तो आती रही मगर सब्र और रज़ा का इमाम बड़े इत्मीनान से एक एक पर्चे को हल करता रहा। और हुसैन ने किस लिए यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, अल्लाह यजीद का दिश्ता हरा फिल मआरिफ व शरीब अल खमर, यजीद ने दिलियों का मतवाला था, शराब पीता था, वो इंतकास उलमा ने बल किया, हमेशा अपने पास हसीन दोशीजाओं को रखता था, नाचने वाली लड़कियों को रखता था। वमा मिन यौमिन इल्ला युस्बिहु फीही मखमूरा, जब सुबह उठता तो शराब के नशे में मस्त होता था। लिअन्ना रजुलन बैनकुम उम्महातल बनात वल अखरात व यशरबुल खमरा व यदउस सलात, वो सौतेली माओं से सौतेली बहनों से सौतेली बेटियों से जीना करता था।
वो तारीख सलात का नमाज नहीं पढ़ता था। हुसैन ने सिर्फ हाथ में हाथ इसलिए नहीं दिया कि वो हक वहाबी था, वो देवबंदी था, वो है हदीस था, वो इसलिए आपने हाथ में हाथ नहीं दिया क्योंकि वो नमाज नहीं पढ़ता था, इक्तदार का हकदार नहीं थी, वो नाच गानों का स्थाई था। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि वो हुसैन जिसने नापाक के हाथ में हाथ इसलिए नहीं देता दिया कि यजीद नाच गानों का आशिक था, वो शराबी था, वो सानी था, आज वही अमल मुस्तफा की उम्मत कर रही है। हुसैन के आसम को देख शराब पीने की बुनियाद पे हाथ में हाथ नहीं दिया, पूरा खानदान कटवा दिया। आज मुस्तफा की उम्मत अगर उसी शराब की लत में अपनी जिंदगी गुजार रही है तो मैं मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाऊं? अरे हम अच्छे अगर नहीं हो सकते तो कम से कम इतने अच्छे तो बन जाए कि मरने के बाद कब्र में अच्छे मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। अगर हुसैन ने पूछ लिया कि करबला में मेरे अली असलम के टपकते हुए लहू की तुमने कदर भी ना की, वही काम किया जो यजीद के करने के बाद आज इस्लाम की और कुफर से, इस्लाम की सुलम से, शरारत की बुनियाद पर दुश्मनी चली आ रही है, मुस्तफा की उम्मत आज वही कर रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वो नूर जो कल कुर्बे खुदा में चमक रहा था, वो नूर जो कल कुर्बे इलाही में चमक रहा था, अल्लाह के फजल ने उस महबूब को अता करके ये फरमाया कि वो नूर तेरे पास आ रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब मुस्तफा आए तो उस अंधेरी दुनिया में रोशनी फैल गई, जब मुस्तफा आए तो लातो मनात गुस्सा हुजूर तोड़े गए, जब वो नूर आया है तो मकाम इब्राहिम चमका है, जब मुस्तफा आए तो लोगों ने मीना को पहचाना है, जब वो मुस्तफा आए तो लोगों ने अरफात को पहचाना है। अरे यहूदी कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम उल्टा है, मरियम कलंकली है, मगर जब मुस्तफा आए तो पता चल गया कि मरियम आबिदा है, मरियम जाहिदा है, मरियम तजबा है, मरियम ताहिरा है। अरे मुस्तफा ना आते तो आबिदा बदनाम हो रही थी, जाहिदा बदनाम हो रही थी, यहूद बदनाम हो रहे थे, कर रहे थे, मगर मेरे मुस्तफा इज्जत बचा रहे थे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे सीने में धड़कता हुआ दिल है तो जवाब देना, वो रसूल जिसने मरियम को बदनाम होने नहीं दिया, इंशाअल्लाह कयामत में हमको भी नाकाम होने नहीं देगा, मगर हम रसूल की उम्मत है, हमें कदम कदम पे सोचना होगा, वो रसूल जिसने किसी मोड़ पर हमको नाकाम होने नहीं दिया। अरे देखो ना, बदर में नाकाम होने नहीं दिया, खैबर में नाकाम होने नहीं दिया, खंदक में नाकाम होने नहीं दिया, अरे करतन मामून के फील्ड में नाकाम होने नहीं दिया, किसी मोड़ पर हमें नाकाम होने नहीं दिया। आज हम कदम कदम पे नाकाम हो रहे हैं, आज हम नंबर दो को नागरिक हो गए हैं, आज हमें अपने इस्लाम के उसूल पर जिंदगी गुजारने से तंगियां पैदा की जा रही है, हमारे इस्लाम के उसूल में खलल पैदा किया जा रहा है, हिंदुस्तान में हमें शक के नजरों से देखा जा रहा है, कहीं पर हम पर जुल्म हो रहा है, हमारे मकान जलाए जा रहे हैं, बच्चों के गर्दनों पर तलवारें रख करके कलमे कुफ्र बोलने पर उनको मजबूर किया जा रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज जुल्म चारों तरफ है, अत्याचार चारों तरफ है, वो मुसलमान जो कल तक के हर मोड़ पर कामयाब हो रहा था आज जलील हो रहा है, आज रुसवा हो रहा है, तो हमें अपने बारे में गौर करना होगा कि वो काम जो बदर में हारी नहीं, खैबर में हारी नहीं, खंदक में हारी नहीं, अरे गर्दन तो कट गई मगर करबला में हारी नहीं, जो अकबर के दरबार में नहीं हारी, मामून के फील्ड में नहीं हारी, कासिम की जवानी नहीं हारी, अब्बास का बड़प्पन नहीं हारा, हुसैन की ताजदारी नहीं हारी, मक्की मदनी के अनवारों तजल्लियात की परस्ती हुई बारी नहीं हारी। मैं पूछना चाहता हूँ, वो मुसलमान जो अरब और मक्का मदीना के जगहों में लड़ता रहा मगर हारा नहीं, वो मुसलमान जो अजमेर की धरती पर मोइनुद्दीन बन करके बैठा मगर हारा नहीं, वो मुसलमान जो कहराई के
जमीन पर सैयद सालारे मसूद कासिम की चर्चे बैठा मगर हारा नहीं। अब हम कदम कदम पे हार रहे हैं तो अपने बारे में हिसाब लगाना होगा, अपने बारे में गौर करना होगा। मगर नहीं नहीं, बिल्कुल आखिरी बात कह रहा हूं। तब जब तू लड़ता था बदर में उहुद में तो इसलिए तू नहीं हारा, तू इस बात का आदि था कि अल्लाह के आगे तू सुबह शाम झुका करता था। बदर में नहीं हारा, खैबर में नहीं हारा, खंदक में नहीं हारा, इसलिए नहीं हारा कि तू अपने सर को खुदा के आगे फजर में भी झुकाता था, जोहर में भी झुकाता था, मगरिब में भी झुकाता था, ईशा में भी झुकाता था, फजर में भी झुकाता था। और जब अल्लाह की रहमत ये देख रही है कि बंदा मेरे आगे झुक रहा है तो उसने बादशाह के आगे नहीं झुकने दिया, कुर्सी के आगे नहीं झुकने दिया, एमएलए के आगे नहीं झुकने दिया। मैं कहता हूं गरीब नवाज ने अपना सर खुदा के आगे रख दिया, पृथ्वी राज के आगे नहीं झुका, किसी राजा के आगे नहीं झुका, महाराजा के आगे नहीं झुका, मगर तूने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, तूने खुदा के आगे सर रखना छोड़ दिया है। फजर में मस्जिदें शिकायत कर रही हैं, सुहर में मस्जिदें आंसू बहा रही हैं, असर का वक्त है, हम देख रहे मस्जिदों में मुसलमान नजर नहीं आ रहा है, मगर ये चोरी कर रहा है मुसलमान है, ये जुआ खेल रहा है मुसलमान है, ये औरतों की इज्जत पर डकैती डाल रहा है मुसलमान है, ये शराब पी रहा है मुसलमान है। अरे वो मुसलमान जो कल तक के रसूलुल्लाह की अता से लड़कियों की इज्जत को बचाता था, आज का मुसलमान लड़कियों की इज्जत को लूट रहा है। वो मुसलमान जो कल तक के ताश बाजों से नफरतें करता था, आज का मुसलमान ताश खेलने वालों से दोस्ती कर रहा है। वो मुसलमान जो कल तक के शराब की बोतलों को तोड़ रहा था, आज का मुसलमान खुद शराब पी रहा है। अरे मैं कहता हूं पत्थरों उहुद के मुसलमान बन जाओ, हिंदुस्तान तुम्हारा है, ये सारी दौलत तुम्हारी है और सारी हुकूमत तुम्हारी है। अपने फिक्र को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने तकबर को बदलो, वरना वक्त आने वाला है कि हमारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मैं कहता हूं उठ करके उस रसूल से मोहब्बत करो जिस रसूल की मोहब्बत जमीन के ऊपर भी हमें काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है, जहां सबकी मोहब्बतें सबकी ताकतें दम तोड़ दे। मुस्तफा की शुरुआत मोहब्बत की इब्तिदा वहां से होती है। अगर आपने इस उम्मीद पर अपनी जिंदगी को गुजारा तो इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत सारे जहान में रोशन और कामयाब होंगे। मौला ताला हमें और आपको हुजूर की सच्ची प्यारी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वा आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।